नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक हार्डवेयर से रिलेटेड। मैं आज हार्डवेयर के लिए रिलेटेड लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इजी करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, फ्री हार्डवेयर स्टमेटिक डायग्राम टूल को कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं, कैसे उसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग का एक टूल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा और कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्री स्टमेटिक डायग्राम, कोई भी डोंगल आपको नहीं लगाना है, कोई भी आपको इंटरनेट और कोई भी आपको सर्वर नहीं लेना है, कोई भी क्रेडिट नहीं लेना है, फ्री में चलेगा फ्रेंड्स। और ये भी मत कमेंट में कहिएगा फ्री में इतने मॉडल ऐड नहीं, तो फ्रेंड्स ये फ्री टूल है, तो जितने भी मॉडल ऐड होंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। मतलब वो कभी भी आपके पास वो टूल आते हैं फ्रेंड्स, तो आप उस टूल को देख करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास अगर वो उस मॉडल में है सारी चीज़ें तो आप उसको देख करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस टूल को पूरे इंस्टॉलेशन और उसको यूज़ पूरी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको, अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट टेलीकॉम को, तो आप स्मार्ट टेलीकॉम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके टेक्निकल लाइन में हेल्प होने वाली है फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आप सभी देखें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहला इसको कैसे हम डाउनलोड करते हैं, तो इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है। तो इस टूल को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको लिखना है phoneboard.com, ये ध्यान में रखिएगा, फोन आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, phoneboard.co लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा, जैसे टैब खुल जाएगा तो देखिए phoneboard.start.repairing.phones, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे जाना है गेट इन नाउ फ्री फॉर फ्री, आपको यहाँ पे गेट इन नाउ फ्री में जाना है। जो भी इसका लेटेस्ट का भी वर्जन है वो अभी डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे जाना है गेट इन नाउ फ्री पे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पे देखिए तीन टैब आ जाएगा, कि आप मैकबुक में चलाना चाहते हैं, कि आप किसी और में चलाना चाहते हैं, कि आप विंडोज़ में चलाना चाहते हैं। जैसे हमारा विंडोज़ है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रेंड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो देखिए हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कोई भी लिंक लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा डाउनलोड होकर के ये देखिए डाउनलोड में आ जाएगा। तो अब ये डाउनलोड में जैसे ही आ गया है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड में आ चुका है, तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये प्रोसेस था फ्रेंड्स डाउनलोड करने का। अभी मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए ओके करना है। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। अब इसे नेक्स्ट करना है, इसे भी नेक्स्ट करना है, इसे भी क्रिएट योर डेस्कटॉप करना है, अब इंस्टॉल करना है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसको आपको अभी करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें ट्रेसिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये ट्रेसिंग टूल बोल सकते हैं और स्टेमेटिक डायग्राम टूल बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, कोई भी फ़ोन आपका वापस नहीं लौटेगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इनमें से कोई मॉडल होगा तो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंटरफेस खुल चुका है, ये आप देख सकते हैं हमारा इंटरफेस खुल चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारा ये टैब इस तरीके का खुल गया। ये टूल फ्री है, कोई भी इसमें आपको एक्टिवेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी डोंगल्स लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास, अगर फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्टेमेटिक डायग्राम है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपके BRD उसमें इंटरफेस जो उसका होना चाहिए, BRD फॉर्मेट होना चाहिए, तभी जाके फाइल ओपन होगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हमारे फ़ोन्स, अब हम फ़ोन्स में आते हैं। तो फ़ोन्स में देखिए आईफोन, सैमसंग, सोमी, ओप्पो, वीवो, इतने सारे मॉडल इसमें अभी ऐड हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्री टूल है, कोई भी पैड टूल नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आईफोन के लिए तो इन्होंने लगभग सारे मॉडल इन्होंने डाल के रखे हैं, आईफोन X तक यहाँ पे इन्होंने डाल के रखे हैं, XR, मतलब लगभग इन्होंने सारे फ़ोनों को यहाँ पे डाल के रखा हुआ है फ्रेंड। अब आपको दिखाते हैं इसका मैजिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आईफोन X ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्स्ट लेयर बोर्ड आ गया यहाँ पे,
तो अब आपको मैं आईफोन और दूसरा बोर्ड लेता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आईफोन, ये देखिए बेस बोर्ड है ये आईफोन। तो ये देखिए इसका आईफोन का बेस बोर्ड आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्रंट इंटरफेस, आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे, आपको बोर्ड व्यू खुल गया। अब आपको किसी भी सेक्शन से प्रॉब्लम है, सपोज आपका कोई भी सेक्शन से प्रॉब्लम है, वो लाइन आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्टेमेटिक डायग्राम से ये तो कॉम्पोनेंट्स कहाँ पर लगा है, तो आप देखिए हमारा ये कनेक्टर है, कनेक्टर में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसकी लाइन हमें ट्रेस करना है, नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अब ये होती है ट्रेसिंग, परफेक्ट ट्रेसिंग, मतलब फ्री में आपको अगर इतना मिल रहा है, आईफोन के लिए फ्री में इतना मिल रहा है फ्रेंड, तो बहुत ही बेस्ट है ये, आप देख सकते हैं। अब आपको उसको और भी ज़्यादा जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट्स भी नाम पता चल जाएंगे कि यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कि रजिस्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये कौन सी आईसी, आईसी नंबर, ये सारी चीज़ें रजिस्टर वो आपको डिटेल दे देगा। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दो क्वांटिटी मिल गई। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आगे आपकी ट्रेसिंग जाती रहेगी, तो मतलब एक आईसी लगी है यहाँ पे, आईसी का नंबर है 4474, यहाँ पे एक आईसी है जो कि इस आईसी पे जा रही है, जो भी इसका कनेक्टर है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये आईसी पे जा रही है डायरेक्टली। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करते जाएंगे हर आपकी आपको ट्रेसिंग मिलती जाएगी। तो ये होता है ट्रेसिंग का टूल फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं ले लेता हूँ एक ओप्पो का फ़ोन ले लेता हूँ फ्रेंड्स, एक सैमसंग पहले लेता हूँ। तो सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स ऐड नहीं है, बट इसमें एस सीरीज़ के मॉडल हैं केवल। अगर आपके पास एस सीरीज़ का फ़ोन आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो जैसे हम S8 ले लेते हैं, तो S8 हमने जैसे ही ओपन किया फ्रेंड, अगर आपके पास कभी भी S8 आया, कोई भी सेक्शन से प्रॉब्लम आया, हेडफोन चार्जिंग कोई भी सेक्शन से प्रॉब्लम आया फ्रेंड, तो आप यहाँ से ईजिली इसको बना सकते हैं। सपोज़ अब वही आपको किसी भी ट्रेसिंग अगर नहीं मिल रही, ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है, तो कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पे जा रहा है, तो आप जैसे ही टिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि कौन सी लाइन, कौन सा ट्रैक कहाँ पे जा रहा है फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ भी अपर में भी जा रहा है, लोअर बोर्ड में भी यहाँ पे जा रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉम्पोनेंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जो भी टीपी पे आप क्लिक करेंगे, अगर वो ग्राउंड होगा या फिर उसकी टीपी होगी, तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। आइए, अभी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए अब हम दूसरे पे आते हैं, सैमसंग हमने हो गया, अब हम यहाँ पे सोमी, सोमी के देखिए फ्रेंड्स, जो भी रनिंग मॉडल है नोट 4 तक के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं रेडमी नोट 4 की भी बोर्ड भी वो आपको मिल जाएगा। तो ट्रेसिंग करने में कभी भी आपके पास रेडमी नोट फोन का बोर्ड आया तो आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको और जूम करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट्स भी पता चल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कॉयल लगा है, रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे U301 स्टेमेटिक डायग्राम में आप सर्च कर सकते हैं। ये J1720 ये आपका सिम, ये आपका, तो सारी चीज़ें, जैसे ये हेडफोन जैक है, अब हेडफोन की लाइन को आपको ट्रेस करना है तो यहाँ पे ही आपको कॉम्पोनेंट्स मिल गए, ये कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब इसको सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट मिल गया। तो ये होती है ट्रेसिंग, ये होती है परफेक्ट ट्रेसिंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। अब इसको ट्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से ट्रेसिंग कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्पोनेंट हमारा ब्रेक है, हमें कैसे बनाना है। तो कभी भी आपके पास नोट 4 आया तो आप हमें, आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पे अब आपको ये आपने सोमी के मॉडल्स इसमें ऐड है, पर ये फ्री टूल है दो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपका एक्टिवेशन नहीं लगने वाला है। तो इसमें आप जा करके सारी इतने मॉडलों को आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। 4C MI 4C आया, MI रेडमी MI आया, रेडमी नोट आया, रेडमी नोट 2, रेडमी नोट 3, ये फ़ोन्स अगर आपके पास आते हैं बहुत ही ईजी तरीके से आप बना पाएंगे। ओप्पो के बस इतने ही मॉडल ऐड है इसमें, देख सकते हैं, पर बहुत ही A57 बहुत आता है, A59 आता है, R9 आता है फ्रेंड्स। आप A57 को हम ले लेते हैं, तो A57 आपके पास कभी भी आया, कोई भी दिक्कत के लिए आया फ्रेंड्स, आप यहाँ से ISP निकाल सकते हैं। अब ये कनेक्टर्स लगे हैं, अब इनको आपको ट्रेस करना है कि कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पे जाता है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, देख सकते हैं ये आप कहीं भी क्लिक करेंगे आपको वो जो लाइन जुड़ी होगी जिससे आपको यहाँ पर सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब वीवो देख लेते हैं। तो वीवो में बहुत सारे मॉडल्स नहीं ऐड हैं, ये फ्री टूल है, तो वीवो केवल दो मॉडल ऐड है, Y69 Y67। तो ये भी कभी आपके पास फ़ोन आया तो आप इसकी बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।